रीवा के बारदो में स्थित रघुराज सागर तालाब मामले में एक बार फिर विवाद की स्थिति में कोर्ट के फैसले के बाद भी तालाब को खत्म करने की तैयारी में जुटा भू माफिया संघर्ष समित एक बार फिर संघर्ष के मूड में तालाब के मेड़ काटकर पानी निकालने का किया गया प्रयास। एक तरफ कोर्ट कहती है तालाबों को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया तालाब को पूरी तरीके से खत्म करने में लगातार जुटे हुए हैं। ताजा मामला रीवा के रघुराज सागर तालाब का देखने में नजर आया है। यहां पर तालाब की मेड़ को काटकर जेसीबी के मदद से किस तरह से पानी निकालने का किया गया प्रयास। मोहल्ले वालों के विरोध के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन मोहल्ले के लोग संतुष्ट नहीं। हम आपको बता दें, रीवा शहर के बारदो में स्थित रघुराज सागर तालाब का विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। भूमाफिया इस तालाब को खत्म करके यहाँ पर कुछ और निर्माण कार्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा रघुराज नगर तालाब बचाओ संघर्ष समिति का आरोप, आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता करके उन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए। संघर्ष समिति साफ तौर से कहती है तत्कालीन महारानी प्रवीण कुमारी ने भी जो तालाब की भूस्वामी थी उन्होंने भी तालाब बेचने से साफ इनकार किया था। तालाब महाराज रीवा का बनाया हुआ था, रघुराज सागर तालाब के नाम से ये जाना जाता है। और महाराज रीवा जब रीवा स्टेट था तब ये तालाब बनाया गया था और रीवा राज्य की रिमही जनता के उपयोग के लिए ही तालाब बनाया गया था। वहाँ मंदिर हैं, तमाम आसपास के 4-7 गांव के लोग उसमें निवास करते हैं, निस्तार करते हैं, मवेशियों को पानी पिलाते हैं, तरह तरह के वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, कब्रिस्तान है। इस तरह का उपयोग इस तालाब का हमेशा से स्टेट के ज़माने से होता चला आ रहा था। बाद में जो कुछ इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी, यहाँ डॉक्टर एनसी चौरसिया जी ने मौरूसी काश्तकार बन के और फर्जी तरीके से ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों को, तहसीलदार और एसडीओ पटवारी को मिला करके और एक पट्टा बनवा लिया कि ये स्टेट के ज़माने से हम इसमें काश्त कर रहे हैं, हमारे पूर्वज काश्त कर रहे हैं और इसके हम मालिक हो गए हैं कानून के अनुसार। ये धारा 158 है MPLRC की, जो ये प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से और स्टेट के ज़माने से उसमें काम कर रहा है, खेती कर रहा है और उसके कब्जे दखल में है, तो वो अपने आप भूमिस्वामी हो जाता है और मारूसी काश्तकार के नाम से उसे जाना जाता है। इस तरह से उन्होंने फर्जी कार्यवाही करके और मौरूसी काश्तकार हो गए और पट्टा बन गया। काफ़ी समय तक उसको दबाए रखा जिससे कोई किसी वरिष्ठ न्यायालय में उसे चुनौती ना दी जा सके, लेकिन जो उनकी नियति थी, जो उनका उद्देश्य था, जब उसको अमल में लाने की उन्होंने कोशिश की और उस तालाब की भूमि को 27/2 है, जो करीब 54 या 58 एकड़ करीब है, उसमें लोगों से सौदा किया उन्होंने और उसको बेचने की कोशिश की। कई नामी गिरामी लोग जो अपराध जगत से जुड़े थे उसमें शामिल किए गए और ग्वालियर और बांदा से लोगों को बुलाया गया और बंदूक की नोक पर उस पूरे करीब 24 एकड़ भूमि पर उन्होंने तार बाड़ी लगा करके पक्की फेंसिंग कर दी और पूरा कब्जा कर लिया। अभी आप देख रहे थे मुकुंदपुर उर्ष का नजारा, वहां पर जाने वाले जायरीनों से बातचीत, इसको कहते हैं आस्था, आस्था का सैलाब। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए, हमें लगातार उत्साहित करिए जिससे हम इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही।